सो वेलकम बैक गाइस, एक फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो विषय है संस्कृत का पेपर है, देख लीजिए यहाँ पर ए सेट का पेपर पूरा पूरा आपका आ चुका है। सो गाइस इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्यूशन साइज बताने वाले हैं। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। सो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। और गाइस चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो है आपको वार्षिक परीक्षा में भी इसी तरह हेल्प कर दी जाएगी। देख लीजिए ए सेट का पेपर है विषय संस्कृत, 75 नंबर का पूरा अंक। चलिए फटाफट निर्देश देख लीजिए, आप निर्देश देख लीजिए। चलिए आपके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है राम शब्द षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहले का सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रामस। इसके बाद दूसरा वयम शब्द वचनम अस्ति। सो इसका दूसरे का यहाँ पर सा ऑप्शन हो जाएगा बहुवचनम। तीसरा है आधुलिखितेषु अव्ययम् नास्ति। सो इसका तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन हो जाएगा मीना। इसके बाद है चौथा कोकिल इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा टा प्रत्यय। इसके बाद है आधुलिखितेषु पंचमी विभक्ति अस्ति। सो यहाँ पर पांचवी का जो राइट आंसर हो जाएगा फलाभ्याम हो जाएगा। इसके बाद है मनोरथ इत्यस्य पदे संधि अस्ति। सो मनोरथ में कौन सी संधि, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। सो वैसे यहाँ पर विसर्ग संधि आपको लगा देना। इसके बाद आपके रिक्त स्थान फटाफट देख लेते हैं। सो ध्यान से देखते चलना। पहला रिक्त स्थान आपको स्वयं करना, दूसरा है कोकरा डॉट डॉट भ्रमंती। सो गाइस इसमें राइट आंसर हो जाएगा इतस्तः। सो गाइस इतस्तः आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा वनम इति पदस्य पर्याय पदनम डॉट डॉट अस्ति। सो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काननम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं आपको भी उसी तरह लिख देना है। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद चौथा आमरम इति पदस्य विलोम पदम डॉट डॉट अस्ति। सो गाइस इसका हो जाएगा रसलाम, यहाँ पर रसलाम हो जाएगा राइट आंसर। सो गाइस फटाफट देखते चलिए। यहाँ पर है पांचवा मयूर डॉट डॉट इति नाभ्यदपि ज्ञाते। सो गाइस इसका जो हो जाएगा अहिभुक, यहाँ पर अहिभुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस आपको लिख देना है। इसके बाद है डॉट डॉट जीवनम दुर्भयम अस्ति। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है, अत्र लिख देना है, अत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये आपके जो है रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं, देख लीजिए। पहला का हो जाएगा जगन्नाथा, जगन्नाथा का आपका हो जाएगा यहाँ पर जगन्नाथा का हो जाएगा, पहला का हो जाएगा व्यंजन संधि, पहले का यहाँ से हो जाएगा। दूसरा है शीघ्रम, शीघ्रम का हो जाएगा यहाँ पर अतिचारम। सो गाइस यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा दुर्लभ, दुर्लभ हो जाएगा यहाँ पर बासवा, यहाँ पर तीसरा यहाँ से, और चौथा तीसरा उसी के सामने जो सामने दिया होगा, और चौथा दुर्लम दुर्बलम का चौथा का हो जाएगा वृषवाहा। सो गाइस यहाँ पर जो आपको चौथा यहाँ पर कर देना है। इसके बाद पांचवा पितरो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, पितरो हो जाएगा यहाँ पर पांचवा यहाँ से मिला देना। और जो छठवां बचा है यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपके जो है एक वाक्य उत्तरम लिखना है। चलिए पहला है कस सुबह एक राजहंसेन भवति। सो गाइस पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रससाह हो जाएगा, यहाँ पर रससा राइट आंसर। इसके बाद दूसरा कहा पिबस्यति प्रियते। सो गाइस इसमें हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चातकः, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा मनुष्याणाम महान रिपु कहा। सो गाइस इसका हो जाएगा आलस्य। सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलस्य, आलस्यम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नारायणाम प्रथम पुत्र का, नारायण का प्रथम पुत्र कौन सा है, ये आपका क्रो जो है यहाँ पर प्रथम पुत्र ये आपको बताना है। इसके बाद है इसमें जो पांचवी का राइट आंसर क्रोध, यहाँ पर हो जाएगा जो चौथा और पांचवा आपको स्वयं करना है। इसके बाद है छठवा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए हम लिख देते निजुबुद्धया। सो गाइस ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य। चलिए इनके फटाफट आंसर बता देते हैं। पहले में आपका आम हो जाएगा, पहले में आम। इसके बाद दूसरे में आम हो जाएगा। जो आपके सत्य वाक्य है उनमें आम लिखना है, जो असत्य है उनमें ना लिखना। तीसरा आम हो जाएगा, चौथा भी आपका आम ही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है पांचवा आपका ना हो जाएगा। इसके बाद छठवां आपका आम, यानी आपका पांचवा असत्य, बाकी सब सत्य हैं। सो गाइस फिर आप जल्दी से फटाफट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका छठवां प्रश्न। इसके बाद है सातवां के बाद है आठवां, इसके बाद नौवां, दसवां देख लीजिए, इसका आठवां देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा इसका आठवां, देख लीजिए दसवां का आठवां। दसवां के बाद ग्यारहवां क्वेश्चन है, ग्यारहवां के बाद यहाँ पर कोई दो करना है आपको। इसके बाद बारहवां, इसमें भी दो करना है। इसके बाद है तेरहवां क्वेश्चन, इसके बाद है चौदहवां क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट देखते चलिए। इसके बाद सोलहवां क्वेश्चन,
देख लीजिए, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देख लीजिए ये रहा इसका पैसेज, इसके बाद है आपका 20वां क्वेश्चन, देख लीजिए 20वां क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 20वां का अथवा 20वां के बाद 21वां क्वेश्चन है, 21वां के बाद 21वां में 2-4 क्वेश्चन है, देख लीजिए हमें 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर आचार प्रतिपत्रम लिखना है, इसके बाद 22वां का अर्थवा है, इसके बाद 23वां में आपको किसी एक वहाँ जो है ये किसी एक पर निबंध लिखना है 120 शब्द में। सो गाइस यहाँ पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस इस तरह जो आपको पेपर है पूरा पूरा कंप्लीट करा दिया। अब गाइस आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर रह गए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। सो गाइस आप फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।